हेल्थ चैलेंजेस की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में 2010 में एंटर किया और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके जो मेरे हेल्थ चैलेंज थे, दैट वाज अ बैकबोन पेन, उसमें आराम मिला। जो परेशानी मुझे 17 वर्षों से थी, उसके लिए मैंने एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी, नेचर मिंट यूज किया और यूज करने के बाद ये रिजल्ट मिला कि जो परेशानी 17 साल से थी, मात्र और मात्र 3.5 महीने में खत्म हो गई। तो जब मुझे आराम मिला, तो कहते हैं अच्छी चीज को फैलाओ और बुरी चीज को दफनाओ। तो मैंने इन चीजों को लोगों को बताना शुरू किया और लोगों को बताते बताते मुझमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने अब डॉक्टर अनुज सर के सलाह पे कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया। रीजन क्या था कि जब मेरी पैदाइश हुई तो मैं बड़ा छोटा था, पहला, और दूसरा मैं बड़ा सांवला था, तो मुझे ननिहाल में लोग शालीग्राम के नाम से पुकारते थे। लेकिन जब इन प्रोडक्ट्स को पाया मैं, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि वास्तव में ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हो सकता है हमारी स्किन पे भी काम करें। तो मैंने इसका अवाकैडो सोप, इसके साथ साथ एलो जेली, एलो स्क्रब, इसके अलावा सनस्क्रीन, लोशन, टोनर, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज किया, तो पहले की स्किन में और आपकी स्किन में थोड़ा डिफरेंस आया। ये नहीं है कि इन प्रोडक्ट को यूज करके हम गोरे हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है अगर आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया तो आपकी स्किन ग्लो बहुत करेगी। तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया और जो बेनिफिट पाया उसी बेनिफिट को आज आपके सामने रखने वाला हूं। अगर हम देखें तो हमारी त्वचा हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है, पावर ऑफ मनी सर। जी हाँ, एकदम सही आपने कहा, पावर ऑफ मनी। लेकिन मैं जहां था वहां पैसे कमा रहा था। उस जमाने में 2010 में 40-42 हज़ार रुपये सैलरी थी, तो वहां जो समाज था वहां मैं संतुष्ट था। लेकिन हेल्थ चैलेंजेस को लेकर के मैं इस सिस्टम में आया था और हेल्थ ने मुझे वेल्थ कमाना शुरू कर दिया। आपने देखा है कि कोई शुगर का पीड़ित व्यक्ति हो, कोई ज्वाइंट पेन का पीड़ित व्यक्ति हो, कोई लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हो, और वो आ करके अपनी परेशानी को तो दूर किया ही किया और पैसा भी कमाने लगा। तो ये वो इंडस्ट्री है जहां आप अपने हेल्थ को तो कमाते ही कमाते हैं, हेल्थ के साथ वेल्थ भी बना पाते हैं। तो रियल में दोस्तों, आज हम लोग उसी हेल्थ और वेल्थ पे चर्चा करने वाले हैं। हेल्थ की बात करें तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है हमारी स्किन, और हमारी स्किन को जो सबसे बड़ा ऑर्गन है उसको भोजन कितना मिलता पता है? मात्र और मात्र 2%। जितना हम भोजन खाते हैं उसका 2 से 3% हमारे बाहरी त्वचा को मिलता है, बाकी सारा हमारे इंटरनल ऑर्गन उसका पोषण ले लेते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है, हमारी त्वचा बेकारी भूखी रह जाती है। लोग कहते हैं अरे ये तो फैशन है। फैशन नहीं है, इट्स नीड, ये आपकी जरूरत है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो ये आपके त्वचा का भोजन है। आइए इस पे आगे बढ़ते हैं। अगर हम ह्यूमन स्किन की बात करें तो ये जो हमारी स्किन है ये 3 लेयर की होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस हमको दिखती है, डर्मिस और हाइपोडर्मिस दिखती नहीं है। बीच वाली लेयर को डर्मिस बोलते हैं और लास्ट वाली ब्यूटी लेयर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अमूमन जो हमारी स्किन होती है, अगर इसके हम थोड़ा सा चीजों को समझें, तो स्किन हमारी जो ऊपरी लेयर है वो 21 से 28 दिन में बदल जाती है सामान्य अवस्था में। किसी किसी की जब उम्र बढ़ती है तो वो 30 से 35 भी हो सकती है, 40 से 42 भी हो सकती है, और 50 से 55 तक भी जा सकती है कुछ लोगों की स्किन। जिन लोगों की बहुत पॉल्यूशन वाले एरिया में काम करते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट में काम करते हैं, या ओल्ड एज होने लगते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो 50 40 50 के दिन के बाद ही चेंज होती है। लेकिन अमूमन 21 से 28 दिन में हमारी त्वचा चेंज हो जाती है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जो हमारी ऊपरी लेयर ही बदल जाती है, फिर सेकेंड लेयर एपिडर्मिस हो जाती है और हाइपोडर्मिस डर्मिस हो जाती है। ये अनवरत प्रक्रिया चलती है। कहा जाता है कि अगर 10×10 का एक रूम हो और हम अपने पूरे जीवन काल में देखें कितनी त्वचा डेड होती है, सेल्स डेड होती हैं, तो 10×10 का कमरा भर जाएगा, इतनी डेड सेल्स हमारे शरीर से निकलती हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। वास्तव में हम अपने त्वचा को क्या देते हैं, हमारी त्वचा के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज जरूरत क्या है, एक होता है अपने पास फेशियल किट। अमूमन जब हम बाहर जाते हैं, जब कभी भी हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है कि वो एक फेशियल करते हैं। वो फेशियल क्या होता है, एक तो केमिकल से भरपूर होता है, दूसरा आपको वहां टाइम कंज्यूम ज्यादा करना होता है, तीसरा वो मसाज भी ज्यादा करते हैं, चौथा आपकी स्किन वहां से डैमेज होने लगती है। तो हम जो ब्यूटी जो आपको बता रहे हैं, जो फेशियल पैक बता रहे हैं,
इसमें एक तो आपको कोई टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जब चाहे जहां चाहे वहां कर सकते हैं। दूसरा, ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये एडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो उतना एब्जॉर्ब होता है, बाकी ड्रेन हो जाता है। इसमें स्टीम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपकी स्किन को थपेड़े देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे आपकी स्किन खराब नहीं होती है, आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। तो आप जब इस फेशियल पैक को करेंगे तो क्या करना होगा? पहला आपके पास है मास्क पाउडर। मास्क पाउडर क्या करें, ये एलो एक्टिवेटर और इसमें जो ये पाउडर है इसको ब्लेंड करना, आपस में मिक्स करना। ये क्या है, ये एक बहुत ही बढ़िया बड़ा बारीक सा पाउडर है जो आपकी त्वचा को स्मूथ करता है, कॉल्म करता है और स्किन पे ग्लो को बढ़ाता है, और अंदर से जो डस्ट है, जो स्किन पे अंदर गंदगी जमा हुई है उसको सोक करके बाहर करता है। तो एक बहुत ही बारीक पाउडर है, बड़ा अच्छा पाउडर है। इसमें एक चम्मच होता है, जिनकी स्किन नॉर्मल है यानी वो ऑयली नहीं है, और अगर हम देखें तो कोई और दूसरी तरह की स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो एक चम्मच मास्क पाउडर लगेगा और एक चम्मच एलो एक्टिवेटर, दोनों को मिक्स करेंगे ब्रश के साथ, और ब्रश के साथ मिक्स करके उसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो अगर हम मास्क पाउडर को बात करें तो ये 29 ग्राम का होता है और ये 3 4 1 यानी 3 4 1 इसका कोड है, और एक पीस खरीदने पे आपको 0.143 केस क्रेडिट मिलता है। तो एक बहुत ही शानदार पाउडर है। इसको क्या करेंगे आप, इसको आप ब्लेंड करेंगे एलो एक्टिवेटर में। ये एलो का बारीक मतलब अकुआ कह सकते हैं, और ये एलोवेरा अकुआ बहुत ही फायदेमंद चीज होता है आपकी स्किन के लिए। जी हाँ, आप एनी टाइप आप स्किन कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि केवल और केवल हमने बताया नॉर्मल स्किन के लिए, फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है तो भी आप इस फेशियल पैक को आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है। ये मैं बताने जा रहा था कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो ऑयली के लिए अलग पड़ता है, ड्राई के लिए अलग पड़ता है, जिनको नॉर्मल स्किन है उनके लिए अलग आपको टाइप चाहिए, बट हमारे वहाँ क्या है, ये तीनों टाइप की स्किन के लिए बड़ा ही मुफीद कॉम्बिनेशन है, और ये प्यूरिफाई है। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एक्वा है, और ये एक स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। ये स्किन का क्लींजर का भी काम करता है और फ्रेशनर का काम करता है, इसको कह सकते हैं आप टोनर का भी काम कर लेता है। तो दोनों को मिक्स करके आप लगाएंगे तो बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट मिलेगा। जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए एक्टिवेटर 2 चम्मच होगा और पाउडर मास्क पाउडर 1 चम्मच होगा, और टीनेजर को अगर आप चाहें तो मार्केट का आप कोई भी फेशियल पैक टीनेजर्स को नहीं यूज कराते हैं क्योंकि इनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन आप फॉरेवर का ये पैक टीनेजर्स को भी दे सकते हैं, और उनके लिए क्या है, अगर आप एक्टिवेटर और मास्क पाउडर यूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप उसमें थोड़ा सा शहद मिला देंगे तो कॉम्बिनेशन और बढ़िया हो जाएगा। अब इस पैक को अगर आप एक्टिवेटर की बात करें तो 612 कोड है, 612 130 ml का है, और 0.065 इसमें केस क्रेडिट मिलता है। दोनों को पैक को आपने तैयार कर लिया, अब जैसे आप हमारे बीच हो सकता है कुछ लोग ब्यूटिशियन हो, बट अगर अगर हमको सामान्य जानकारी है तो हमको क्या करना है, यहाँ से गले से ऊपर ले आना, यहाँ तक नीचे से ऊपर की तरफ, फिर इसको अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, नोज को ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ ये पैक लगाएंगे और ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ ले जा करके फैला करके छोड़ देंगे। आपको डबल ब्रश नहीं करना, सिंगल ब्रश में यूज कर लेना आंखों को छोड़ने के बाद। इतना करने के बाद 30 35 मिनट 40 मिनट आपने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना होगा, जब 30 35 मिनट आप छोड़ेंगे तो आपकी स्किन पे ये पूरी तरह सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा तो क्या होगा, धीरे से आपको गीला कपड़ा गीला कॉटन लेके आपको उस त्वचा को साफ कर लेना। साफ करने के बाद क्या करना है, आपको यूज करना है एक्टिवेटर, आपने यूज किया था, अब एक्टिवेटर के बाद क्या आप यूज करेंगे, आप टोनर यूज करेंगे। आप हथेली पे लेके कॉटन से लेकर के अपनी त्वचा पे फैला लेंगे इससे, तो आपको क्या हो गया, जो आपकी स्किन कहीं से रफ हुई थी या डिसबैलेंस हुई हो, बराबर कर देगा टोनर, टोनिंग कर देगा। इसके बाद आपने अगर डे क्रीम डे में किया हुआ है तो अभी बहुत बढ़िया, डे सनस्क्रीन लोशन डे क्रीम आया हुआ है उसको आप यूज कर सकते हैं। नाइट में किया है आपने तो आप आर3 फैक्टर अपना यूज कर सकते हैं। आर3 फैक्टर की बात करूं तो ये सिंपल 3 इंग्रेडिएंट है, इसमें इंडिकेशन है, जो 3 एरिया में आपको काम करता है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चर प्रदान करता है और आपकी स्किन को ग्लो कराने में मदद करता है, रीस्टोर करता है और रिन्यू करता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी होती है और आंखों को छोड़ करके पूरे फेस पे आपको फैला देना होता है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों की आदत होती है, क्रीम को हाथ में लिया ऐसे निकाला, और ऐसे निकालने के बाद करते हैं यूं,
पूरे हाथ को लगाया, आप पता चला आप, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट क्या है, एलो बेस है, तो जैसे ही आपने हाथ में लगाया तो सारा तो आपकी हथेली में अब्जॉर्ब हो गया, तो स्किन पे आया ही नहीं। अब मान लिया आपको अपनी दीवार को पेंट करवाना है, तो लेबर को क्या देंगे, पतला ब्रश देंगे या चौड़ा ब्रश देंगे? जाहिर सी बात है चौड़ा ब्रश देंगे, लेकिन अगर आपके जो ग्रिल होता है, जो खिड़की का पतला पतला धारी होता है, उसको अगर पेंट करना होगा तो क्या करेंगे आप, पतला सा ब्रश देंगे। ऐसे ही आपको होल बॉडी में अगर कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है तो आपने क्या करना होगा, आपको चौड़ा वाला ब्रश यानी पूरे हाथ वाला काम करना है। जी अगर आप 30 से ऊपर के लोगों को रिकमेंड करेंगे तो आर थ्री फैक्टर बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमको जब फेस पे आपको कोई क्रीम लगाना होगा तो क्या करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट पे लेके उंगली, दोनों उंगलियों को मिला करके फैला देना है मात्र, ठीक है, आंखों को बचाते हुए आपको फैला देना है। पूरे हाथ में लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने हाथ में लगा तो क्या हो, पूरा हाथ मेरा सोख लिया, त्वचा पे जाने ही नहीं पाया, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। और वेरी नाइस ऋषि जी, आप यूज करते हैं, गुड, वेरी गुड, आर्थ्री फैक्टर बहुत ही बढ़िया क्रीम है। तो आपने क्या करना है, उंगली से लेके फैलाना है आंखों को बचाते हुए, आंखों पे कोई भी सनस्क्रीन कोई भी क्रीम यूज करने की आवश्यकता नहीं है, जो आंखों के लिए रिकमेंडेड क्रीम है उसी को यूज करना है। आर्थ्री फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ऐसा कॉम्पोजिशन होता है जो जिन लोगों की त्वचा बहुत मोटी हो जाती है, या जो लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में काम करते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा धूप में काम करते हैं, क्या होता है उनकी स्किन मोटी हो जाती है, तो उस स्किन को पिघला करके ये बाहर करने का भी काम करता है। तो इसलिए हम लोग अमूमन रिकमेंड करते हैं जिनकी एज 30+ हो, उन्हें अगर हम आर्थ्री फैक्टर देते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल सकता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता भी है। तो आप आर्थ्री फैक्टर को यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्रीम है। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपने पास है, अल्फा ई फैक्टर। अल्फा ई फैक्टर की बात करें तो 187 इसका कोड है, 30 ml का ये पैक है, और 0.129 केस क्रेडिट इसमें मिलता है। किसने किसने अल्फा ई फैक्टर यूज किया है, हमारे बीच है कोई जो अल्फा ई फैक्टर को यूज किया हो? अगर यूज किया हो तो मी लिख कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में, ताकि हम समझ सके अल्फा ई फैक्टर को जिसने यूज किया। आर्थिक फैक्टर तो कई लोगों ने यूज किया होगा। इसी का पाल जी ने, वेरी गुड वेरी गुड सर, इनके आईज के नीचे स्वेलिंग हो, वेरी गुड, मैं उसके बारे में बताता हूँ। श्रद्धा जी ने भी यूज किया है, आरती जी ने यूज किया है, स्वाति जी ने यूज किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, डॉक्टर स्वाति ने यूज किया है, एकता गोयल जी ने, यानी ढेर सारे लोगों ने इसको यूज किया, बहुत ही बढ़िया चीज है, परफेक्ट है ये। ये क्या है, एक कह सकते हैं सुपर कॉम्बिनेशन है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, किसके लिए, मैच्योर स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, विटामिन ए सी ई और बोरेज आयल साथ में अगर हम देखें तो ये आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को एनहांस कर देता है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे आप बच्चों को देखें, सरस्वती जी कल्पना जी थैंक यू, बहुत बढ़िया, इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम बच्चों की स्किन को टच करते हैं ना तो बार बार टच करने का मन करता है, क्योंकि उनकी स्किन बड़ी पफी होती है। ऐसे ही हमारी स्किन को, ये हमारी स्किन को, ये हमारी थोड़ी मैच्योर स्किन हो चुकी है उसको बड़ी पफी बना देता है। तो ये आप किसी भी क्रीम के साथ, वेदर आर्थ्री फैक्टर, वेदर एलो जेली, वेदर सनस्क्रीन, किसी भी क्रीम के साथ 2-3 ड्रॉप मिला करके आप इसको अपनी त्वचा पे लगा लेंगे तो क्या हो गया, आपकी त्वचा को विटामिन ए मिल गया, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी मिल गया एंटीऑक्सीडेंट, एंड विटामिन ई भी मिल गया, साथ में बोरेज आयल मिल गया। तो ये मिल करके बहुत बढ़िया सुपर कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो आपकी स्किन को और ज्यादा ग्लो करा देता है। और इसका जो प्योर इंग्रेडिएंट है वो है क्या, एलोवेरा जेल। अब जो एलोवेरा जेल का है तो क्या हुआ, सारे एलोवेरा के कॉम्बिनेशन बेनिफिट आप इसमें मिल जाएंगे, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं नो डाउट, लेकिन क्रीम के साथ लगाएंगे इसी का भी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि स्किन क्रीम क्या हो गया, जैसे मान लिया आपने मॉइस्चराइजिंग लोशन लिया या एलो जेली लिया, तो एलो जेली लिया तो एलो जेली में अगर आपने अल्फा ई फैक्टर को मिक्स किया तो प्रॉपरली वो मिक्स हो गया और आपकी त्वचा पे बहुत बढ़िया तरीके से फैल जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप इसे जरूर यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यह है एपी ब्लैंक, अभी फिलहाल ये नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। मरीन मास्क अभी इंडिया में नहीं आ रहा है, इसको भी स्किप करते हैं। यस, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, दैट इज स्क्रब। ये तो मुझे लगता है हम सारे लोगों ने यूज किया होगा ना, कितने लोगों ने यूज किया है, कितने लोगों ने स्क्रब को यूज किया है या यूज,
डेली यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं? ये बाबा, ये रुचिका, सोनू, स्वाति मैम, बापरे, श्रद्धा, पातुल, बहुत बढ़िया, बहुत ढेर सारे लोगों ने यूज किया ना। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वास्तव में ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये क्यों यूज करना चाहिए, मैं कुछ दोस्तों को बताना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोग पहली बार आए हों, कुछ लोग अभी इसको ना यूज कर पाए हों किन्हीं कारणों से। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी है, मैं श्रद्धा जी से कहूंगा कि स्क्रब का डेमो करके दिखावे। इन द मीन टाइम हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी करते रहेंगे वीडियो ऑन करके आप। जी, थैंक यू सरस्वती जी, बहुत बढ़िया, ढेर सारे लोगों ने यूज किया। श्रद्धा जी आप वीडियो ऑन कर सकती हैं। स्क्रब क्यों जरूरी है, आप देखें तो यहां से नीचे आपके हाथ पे, आपके पैर पे, आपके पेट, पीठ, हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपकी मैल निकलती है या डेड सेल्स निकलती हैं। लेकिन आप इस एरिया में देखें तो इस एरिया में आपको मैल निकलता हुआ दिखेगा नहीं, आपकी जो स्किन डेड हो रही है वो निकल नहीं रही। जैसे मैंने पहले बताया ना कि आपकी जब हमारी स्किन डेड होती है तो ये 21 से 28 दिन में चेंज होती है, लेकिन फेस की स्किन जो होती है वो डेड होती है तो निकलती नहीं है जल्दी। तो ऐसी दिशा में क्या होना चाहिए कि अगर आपकी त्वचा डेड हो रही है और निकल नहीं रही है तो क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे आपकी स्किन प्रॉब्लम बढ़ाएगा, आपके कील मुहासे निकलेंगे, आपके स्किन पे झुर्रियां दिखने लगेंगी, आपके स्किन पे टैनिंग दिखने लगेगा, आपके फेस पे जैसे एक संया, सॉरी क्या कहते हैं, झावा, या कुछ स्किन ब्लैक हो जाती है, कुछ स्किन व्हाइट हो जाती है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है, ऐसा कुछ दिखने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा स्क्रब लेना है, और स्क्रब को लेकर के क्या करना है, फोरहेड पे, चिक पे, नोज पे और टीडी पे लगा करके आपको 2 उंगलियों से एंटी क्लॉकवाइज स्क्रब करना है। कम से कम 10 मिनट जब आप इसको स्क्रब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ की जो डेड सेल्स हैं जितनी वो सारी निकल जाएंगी। अगर लेडीज हैं तो वो गले पे भी पूरा ले सकते हैं क्योंकि ये एरिया भी उनका खुला होता है, तो यहाँ पे भी स्क्रब करके निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे ब्लैक हो जाता है, या पैर के घुटने में बहुत ज्यादा ब्लैकेज दिखने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप स्क्रब को नहीं, अगर पिंपल्स हैं तो स्क्रब नहीं करेंगे क्योंकि वो दिक्कत करेगा। ये पिंपल्स हैं तो पहले पिंपल्स खत्म कर लेंगे। आपने एलो जेली, एलो प्रोपोलिस लगाना है, नेक्टर या फिल्स ऑफ ग्रीन देना है ताकि पिंपल्स खत्म हो जाए। जब पिंपल्स खत्म हो जाएंगे तब आप स्क्रब यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। तो अगर जिनको पिंपल्स आ गए हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि एवोकाडो सोप लें, एवोकाडो सोप से फेस वॉश करें, उसके बाद जेली और एलो प्रोपोलिस क्रीम का उपयोग करें। साथ में ज्यादा पिंपल्स हैं तो नेक्टर और फील्ड्स ऑफ ग्रीन का यूज करें ताकि पेट की भी सफाई हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब स्क्रब को क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आपने फेस पे हल्का सा 20-10 मिनट, 12 मिनट तक घुमाया हल्के हाथों से, बहुत तेज रगड़ना नहीं है। बहुत बढ़िया ऋषि, तो आप जब इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। अब जैसे आपने साफ कर लिया, फिर हल्का गुनगुना पानी से या फिर हाँ ड्राई स्किन को इसका जी थोड़ा और ड्राई कर देगा, तो वहां पे आप टोनर जेली या मॉइस्चराइजिंग लोशन आप देंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि ये सोप आपके आगे आगे उसके बारे में बात करते हैं, सोप के बारे में। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्क्रब के बारे में। तो स्क्रब लगा करके आपने आंखों को छोड़ करके उस एरिया पे स्क्रब करना, और स्क्रब करने के बाद आप अपनी त्वचा को धुल लेंगे। धुलने के बाद पहला काम करना है टोनर लगाना है। जब कभी भी स्किन को आप साफ करेंगे तो फर्स्ट चीज क्या करेंगे, टोनर लगाएंगे। टोनर लगाने के बाद क्या करेंगे, एलो जेली या मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएंगे। उसके बाद आपके पास सनस्क्रीन है तो सनस्क्रीन जरूर यूज करिए अगर आपने धूप में निकलना है तो, या फिर अभी डे क्रीम जो अपना आया वो यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, आपकी स्किन परफेक्ट हो जाएगी और आपको लगेगा कि यस मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। कभी आपको स्क्रब की बात करूं तो स्क्रब का हमेशा डेमो करना चाहिए। लेडीज की बात करूं तो छोटा सा पर्स सारी लेडीज के पास होता है, तो एक जेली, एक एलो, ये स्क्रब अपने बैग में जरूर रखें। हम जेंट्स की बात करें तो हम लोग भी अपने पास इसको जरूर रखें, और जहां मौका मिले बताते हैं। कल्पना जी अभी एसिडिटी के बारे में बताते हैं, अभी थोड़ा सा स्किन केयर का प्रोडक्ट चल रहा है। तो जिन जिनसे भी मिले उनसे बातचीत करें, जब आप उनसे फ्रेंडली हो जाए तो आप उनके हाथ पे थोड़ा सा स्क्रब करके आप उनका टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं इस प्रोडक्ट को। जब टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, दोनों हाथों में डिफरेंस दिखने लगेगा। आप जो दोनों हाथों में डिफरेंस दिखता है, क्या दिखता है, इंसान देखता है अरे यार मेरा तो ये हाथ सॉफ्ट हो गया, ये तो बड़ा खुरदुरा लग रहा है, और उससे जब टच करवाएंगे तो उसको फील आएगा, फिर वो क्या करेगा ना, ऑर्डर दे देगा।
इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने स्क्रब कर लिया तो आपने क्या किया, सारे रोम छिद्र आपके सारे पोर्स खुल गए। अब इसके बाद आपने टोनर लगाना है ताकि बढ़िया से पैक हो जाए। एलो जेली लगा देना है तो आपको एलोवेरा जेली के, एलोवेरा के सारे गुण आपको मिल गए, तो आपके स्किन में विटामिन मिनरल्स एंजाइम्स ये सारे आप प्रॉपरली आ गए। और उसके बाद फिर उसको पैक कर देना है सनस्क्रीन लोशन से, अगर आप दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजिंग लोशन, या फिर केवल एलो जेली लगा करके छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये आपके डेड स्किन को बाहर करता है, नेचुरली एक्सफोलिएट करता है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। अमूमन हम इसमें और मार्केट वाले स्क्रब में डिफरेंस जानना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो मार्केट का यूज कर रहा हूँ, मैं तो मार्केट का यूज कर रही हूँ, वो तो इससे सस्ता है। जब आप मार्केट का देखेंगे ना, तो मार्केट का जो स्क्रब मिलेगा वो आपको तिकोने आकार का मिलेगा। इसीलिए जब आप मार्केट के ब्यूटिशियन से आप बात करती हैं तो बोलती हैं 15 दिन में एक बार स्क्रब करना चाहिए। लेकिन हम जिस स्क्रब की बात कर रहे हैं, ये ओवल दाने हो, ओवल अंडाकार है। ये क्या करता है, धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो खुरदरा दिखेगा और धीरे धीरे आपकी स्किन में समाहित हो जाता है। और यहाँ क्या लिखा है, जेंटल एनफ फॉर डेली यूज। आप इसको प्रॉपरली यूज करें, आप डेली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ओवल शेप है, एलोवेरा से बना हुआ है, तो ये आपकी स्किन पे रैसेज नहीं डालेगा बल्कि और ज्यादा ब्यूटी बढ़ाएगा, खूबसूरती बढ़ाएगा, चमक बढ़ाएगा। जैसे आप लकड़ी को देखें ना, तो लकड़ी को जब हम जितना रगड़ते हैं उतनी शाइनिंग बढ़ती है, तो ऐसे ही स्क्रब को जब हम करते हैं रेगुलरली तो हमारी स्किन का शाइन बढ़ेगा, ग्लो बढ़ेगा, आपकी स्किन सॉफ्ट नरम मुलायम होगी और आपको बार बार टच करने का मन करेगा अपनी ही स्किन को। तो आप स्क्रब को जरूर यूज करें। स्क्रब को यूज करने के बाद, ये एलोवेरा जेली है, एलोवेरा जेली की अगर हम बात करें तो ये प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा है और ये मॉइस्चर त्वचा को प्रदान करता है। साथ ही साथ ये एक बहुत ही बढ़िया, अगर कोई उंड है, घाव हो गया, तो उसको हील अप करने में सहयोग देता है। ये एक ऐसा इन प्रोडक्ट है जो आप अपनी, अगर कभी आंखों पे जलन हो रहा हो ना, तो आप इस आंख के ऊपर वाले पलक पे भी हल्का सा लगा के छोड़ेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही, जी हाँ आदित्य जी, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और ये हर जगह, कहीं हल्का सा फुल्का कट हो गया या कहीं आपको इचिंग हो रही है वहां लगा दिया आपने, तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। जिन लोगों को, जो लोग जैसे ना गाड़ी वाड़ी धुलते हैं, उनके हाथों पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में एलो जेली और एलो प्रोपोलिस अगर उसको रिकमेंड कर देते हैं तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एलो जेली और प्रोपोलिस को मिला करके, अभी हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया कि अगर आप बालों पे लगाते हैं ना, तो बालों को ये कंडीशन कर देता है, बालों को स्टाइलिश बनाने का काम करता है। तो एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके आगे अगर हम बात करें तो अपने पास है एलो प्रोपोलिस क्रीम, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। इसमें भी एलोवेरा जेल है और प्रोपोलिस है, बी बोले तो मधुमक्खियों के द्वारा लाया हुआ, प्रोपोलिस बोले तो एंटीबायोटिक। ये एक बहुत बढ़िया स्किन मॉइस्चराइजर है, कंडीशनर है, और साथ ही साथ इसमें क्या मिला है, कैमोमाइल ऑयल में और स्किन केयर हर्ब मिले हुए हैं, जो आपकी, जिन लोगों की स्किन थोड़ी रफ होती है या जिन लोगों की कट कुट हो जाती है, उंड हो जाता है बार बार, क्या कहते हैं, मुहासे हो गए, जब से अभी किसी ने पूछा था, तो मुहासे में प्रोपोलिस और जेली का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। अमूमन क्या होता है, एलोवेरा जेली क्या करता है, डीप पेनिट्रेट करता है, और प्रोपोलिस क्या है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो जब प्रोपोलिस जेली के साथ जाता है तो ये पेनिट्रेट करके भीतर तक जाता है, जिससे इंटरनली आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें वाइटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, वाइटामिन ई होता है, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और स्किन की प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया रखता है। अगर किसी को ना कोई बड़ा घाव हो गया, मुझे याद है कि मेरे फादर साहब को जब ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो उनको बेड सोर एक बीमारी होती है, सोए सोए प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एलो प्रोपोलिस क्रीम में, एलोवेरा जेली सेम अमाउंट में, जी हाँ, इसी का जी एकदम सही आपने कहा कि अगर हम जेली और प्रोपोलिस को बराबर बराबर मात्रा में लगाते हैं तो जो पिंपल्स का होता है ना, वो अंदर का जख्म वगैरह होता है, वो भी खत्म हो जाता है, और जो दाग धब्बे होते हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और आपके अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो अगर मैं बात कर रहा था, किसी को बेड सोर हो गया हो, यानी सोए सोए उसके कमर में पीठ में घाव हो गया हो, वो घाव जल्दी से खत्म नहीं होता, बहुत से लोगों को देखा गया प्रॉब्लम वो खत्म नहीं होती। लेकिन मेरे फादर साहब को जब ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने इसी जेली प्रोपोलिस क्रीम को मिक्स करके लगाना शुरू किया, बीटाडीन से साफ करके, और साफ करके लगाने के बाद क्या हुआ, 45 दिन के भीतर भीतर वो जख्म भर गया और पूरी तरह से उनका स्किन नॉर्मल हो गया। तो बहुत ही प्रोडक्ट है, बढ़िया है।
जी हाँ, अगर किसी को ना फीमेल्स को जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी पेट पे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रोपोलिस को रिकमेंड कर सकते हैं। प्रोपोलिस जेली को चाहे तो एक्टिवेटर से साफ करके फिर जेली प्रोपोलिस को मिला करके लगाएं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है, वो स्ट्रेच मार्क भी खत्म हो जाते हैं, ऐसा पाया गया। तो प्रोपोलिस बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके अलावा अपने पास है एलो लोशन, जो प्लेन एलोवेरा अभी इसमें नहीं आ रहा, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत बढ़िया है, ये हमारी ड्राई स्किन के लिए वरदान है। और हाँ, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इचिंग प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर भी इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जी हाँ, ड्राई स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, जिनकी एजिंग और स्किन हो रही है उसके लिए भी ये मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत बढ़िया है। इसमें 43% प्योर एलोवेरा ही है और ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इससे आप पूरी बॉडी को मॉइस्चर कर सकते हैं, अपनी त्वचा को मॉइस्चर कर सकते हैं, ये फाउंडेशन का भी काम करता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पे लिखा हुआ है, इस मॉइस्चराइजिंग लोशन पे लिखा हुआ कि ये फाउंडेशन का भी काम कर सकता है, इसको आप लगा सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, उनके लिए एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत शानदार प्रोडक्ट है, काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट एलो फर्स्ट। एलो फर्स्ट बात करें तो एक एक्सीलेंट फर्स्ट एड किट है जो सिंपली आपकी स्किन को सूट करता है, बहुत बढ़िया एक फर्स्ट एड किट है, आपके घर में जरूर होना चाहिए। एक बेहतरीन फार्मूला है, डिजाइन किया गया है किसके लिए, माइनर कट के लिए, इरिटेशन के लिए, या कहीं जल गया उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्प्रे है ये। अगर आपके मसल्स में कहीं पेन हो रहा है, आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है, तो आप उसको निकाल करके स्प्रे करेंगे, विद इन 5 to 10 मिनट आपको रिलैक्स मिल जाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हो, वो है जोजोबा शैम्पू लगाने के बाद, कंडीशनर लगाने के बाद गीले बालों पे इसको स्प्रे करेंगे बालों की जड़ में, तो धीरे धीरे बाल झड़ना रुक जाए। जब बाल सूख जाए तो आप इस स्प्रिंग राज ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, ये लगा करके हल्का मसाज करना है तो आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। इसमें क्या है, एलोवेरा है, बी प्रोपोलिस है, एलेंटाइन है, 11 एक्सक्लूसिव, 11 तरह के और प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और माइनर कट हो गया या बर्न हो गया, ऐसी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 40 कोड है इसका, 473 ml है और 0.071 cc है, केस ग्रेडिट है। अगर हम बात करें एलो एमएसएम जेल, ये आ रहा है अभी, मे बी डिसकंटिन्यू हो सकता है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिन लोगों को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम होती है उनको एलो एमएसएम जेल के साथ साथ एलो हीट लोशन लगाकर मिला करके लगाने से बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट, वेदर जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, दैट इज सनस्क्रीन लोशन। अगर इस सनस्क्रीन की बात करें तो ये अल्ट्रा वायलेट किरणों से आपकी त्वचा की सुरक्षा करता है। अमूमन हम देखते हैं कि जब हमारी स्किन धूप में जाती है, जब हम अपने शरीर को धूप में लेके जाते हैं, तो ये स्किन हमारी 20 मिनट तक सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से लड़ सकती है। 20 मिनट क्या क्या होता है, वो अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारी त्वचा को घायल करने लगती है। तो इसीलिए 30 SPF की बात करें तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, 30 SPF इजिकल टू 30 गुना, यानी 20 मिनट को 30 गुना बढ़ा दिया, तो 20 या 600, यानी 600 मिनट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, किससे, यूएवी और यूवीवी से। तो ऐसी दशा में तकरीबन तकरीबन भारत में देखें तो 10 घंटे हो गए, और अमूमन भारत में या हमको और आपको इंडिया में जो सन रहता है लगभग 10-11 घंटे रहते हैं, तो सुबह के 1 आध घंटे, शाम के 1 आध घंटे तो चाहिए, जो वाइटामिन D3 चाहिए हमको, उसके बाद 10 घंटे तक अगर हमने त्वचा पे लगा लिया तो 10 घंटे हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और एक बढ़िया सा आपके स्किन को प्रोटेक्शन दे देता है। तो जब अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं और टकरा करके फिर वापस चली जाती हैं, ये आपकी स्किन पे अंदर आपके डैमेज नहीं होने देती है। तो इसलिए आप 30 SPF का सनस्क्रीन लोशन यूज करेंगे तो आपकी त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत से लोग कहते हैं सर 50 SPF इज गुड, सॉरी 50 SPF कहाँ के लिए है, जहां 18 घंटे हो, सूर्य 20 घंटे रहते हो वहां के लिए 50 SPF जरूरी है। देखिए आपका जो सवाल है ना, वो आपने एक बात कही कि जब कभी हम बाहर से आते हैं तब की बात आपने की। देखिए जब आप बाहर से आते हैं, कोई भी हमारा मान लिया सनस्क्रीन लोशन आपने यूज किया हुआ है, तो जो आपके डस्ट हैं, जो बाकी चीजें, वो आपकी त्वचा पे चिपकी हुई है। आप जैसे ही घर आए, आपने अवाकैडो से या
हैंड सोप से या जो आपके पास हो क्लींजर हो, उससे आप जब फेस को साफ करते हैं तो स्किन फिर से ग्लो करती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है ताकि वो गंदगी आपकी स्किन में ना जाए। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं बाहर रहूंगा तब लगाऊंगा। बिलीव करिए, सनस्क्रीन आपको हमेशा हर दिन लगाने की जरूरत होती है। आपको खत्म क्या करना होगा कि इसको यूज करने से क्या होगा कि अगर आप घर में हैं तो कीड़े परावर्तित होकर के आपके घर में आ रही हैं। आप जाड़े में हैं तो जाड़े में सन प्रोटेक्शन में आप ज्यादा बैठते हैं, सन एक्सपोजर होता है तो आपकी स्किन टैन कर सकती है। इवन बरसात में भी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, बादलों को छेद करके भी वो आती हैं, है ना। तो वो सूर्य भले ना दिखाई दे बट उसकी गर्माहट नहीं मिल रही, बट अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। तो आपको जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा यूज करना चाहिए। ये क्रीम आपके लिए हमेशा प्रोटेक्शन करती है। और पूरी सारे क्रीम को लगाने के बाद लास्ट में आपको इसको यूज करना है ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे, आपको मॉइस्चर बना रहे। और अगर कभी आप स्विमिंग करने जाते हैं या आप वाटर एक्टिविटी कोई करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये अभी तो फिलहाल शायद नहीं आ रहा, तो आप इसी सनस्क्रीन लोशन को या इसको लेकर के होल बॉडी पे अप्लाई कर लेंगे। होल बॉडी पे अप्लाई करने से क्या होता है कि आपकी स्किन, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसमें क्लोरीन मिला होता है, और क्लोरीन से जब आप स्किन टैन होती है तो स्किन टैन हो जाती है, स्किन में इचिंग होने लगती है। तो ये 40 मिनट तक आपकी त्वचा को पानी से बचाए रखता है, यानी वाटर एक्टिविटी में ये सन वाटर प्रूफ कह सकते हैं इसको, वाटर प्रूफ है ये, और ये बेस्ट रिजल्ट देता है आपको। तो इसका 199 कोड है, 118 ml का है और 0.059 है। और एक और भी इसका कॉमे नया आया हुआ है सनस्क्रीन, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो सनस्क्रीन लोशन का जरूर यूज करना चाहिए। ये है सोनिया डेली केयर के प्रोडक्ट हैं, ये डेली केयर के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसे ये जेल क्लींजर है, बहुत से लोग कहते हैं सर आपके पास जेल बेस्ड प्रोडक्ट है या नहीं, तो रियल में आज जेल बेस्ड प्रोडक्ट बहुत तेजी से मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो ये रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर है, इसको आपको वही 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट पे लगा करके हल्का सा मसाज करके कॉटन से साफ कर दें या पानी से आप साफ कर लें, तो ये आपको जो ऊपर डर्ट है या मेकअप है ये पूरी तरह से निकल जाता है और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और जब आपने स्किन को साफ कर लिया तो फिर क्या करना होता है, एलिमिनेटिंग जेल को लगाना होता है। सर रेगुलरली यूज के लिए हमें कौन से क्रीम यूज करना है सर, एनी टाइप ऑफ स्किन? देखिए कोई भी टाइप स्किन हो, मेरे मेरे हिसाब से जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आपको स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए, एवोकाडो सोप यूज करना चाहिए, साथ में टोनर यूज करना चाहिए, और जेली क्रीम को जरूर यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। अगर आप इतना यूज कर लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। एक बार आपने खरीद लिया तो मुझे लगता है कि अकेले यूज करें तो साल भर बड़े आराम से ये प्रोडक्ट चलते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो आप उसको यूज करें। एलिमिनेटिंग जेल की बात करें तो आपकी स्किन को टोन करता है, और इसके अलावा है जेल मास्क। जेल मास्क की बात करें तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है, आपकी स्किन को ग्लो कराता है और स्किन के टोन को बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। साथ ही ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये सारे जेल बेस हैं। तो जेल बेस के कॉम्बिनेशन मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहे हैं, तो उनको आप कॉम्पिटिट कर सकते हैं। इनफाइनाइट ग्रुप की अगर हम बात करें तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा हैवी है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मेच्योर लोगों के लिए बहुत अच्छा है इनफाइनाइट ग्रुप का। ये क्या है, हाइड्रेटिंग क्लींजर है। इसको लगा करके हल्का सा स्क्रब करके आप कॉटन से या पानी से साफ कर सकते हैं, स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ साफ करने के बाद टोनर, टोनर के बाद आपको सीरम लगाना है, सीरम लगाने के बाद क्रीम को लगा सकते हैं, और एक बहुत ही मॉइस्चराइजिंग बढ़िया सा यूज मिलेगा आपको। कॉम्प्लेक्शन स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, विटामिन B3 होने के कारण ये आपकी त्वचा को और ज्यादा परफेक्शन देता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स की चर्चा की हम लोगों ने, ये सारे के सारे क्या है, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं। ये कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं है, आप अपनी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए कितना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और ये सारे के सारे जो भी ना, आप एक बेहतरीन हाथों में हैं, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, आप एक अच्छी कंपनी के साथ हैं। आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने से जो बेनिफिट पाते हैं उन बेनिफिट को लोगों को बताएं।